गौहर खान ने अंकित गुप्ता पर एक बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, वैसे तो गौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, पिछले कुछ वक्त से नहीं थी। बिग बॉस को लेकर ज्यादा राय नहीं रख रही थी, बिग बॉस को लेकर ज्यादा अपने ओपिनियंस जो है वो सामने नहीं ला रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। अपने ओपिनियंस रखे हैं बिग बॉस के घर को लेकर और अंकित गुप्ता को लेकर। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी राय उन्होंने रखी है, और वो जो राय है वो कुछ इस तरह से है कि अंकित गेम में क्या कर रहे हैं। क्या अंकित आपको लगता है कि कोई टक्कर वाले कंपेटिटर हैं, टक्कर वाले कंटेंडर हैं? क्योंकि हर कोई एक ही चीज उनको लेकर कह रहा है अंकित को, कि वो लंबी रेस का घोड़ा अब लग रहे हैं। पहले तो किसी को वो नोटिस भी नहीं आ रहे थे, पहले तो कोई उन्हें सीरियसली भी नहीं ले रहा था। शेखर सुमन जी ने उन्हें कहा कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो उसके बाद से सबने उन चीज को समझना उस चीज को समझना और देखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं उन्होंने भी आकर अंकित की तारीफ पहले की। शहनाज भी घर के अंदर आई तो शहनाज ने भी अंकित की तारीफ जो है वो पहले की कि टेलीविजन का सुपरस्टार। अब गौहर सामने आई हैं और गौहर कहती हैं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट इफ अंकित विन्स बिग बॉस 16। द मैन मेक्स सेंस, स्टैंड्स टॉल इवन इफ देर इज सो मेनी रबिश क्लेम्स मेड ऑन हिम, डिग्निफाइड, लव हिज एटीट्यूड। यानी कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी वाकई अगर अंकित गुप्ता ये शो जीतते हैं, अगर अंकित शो में आगे जाते हैं। बिकॉज अगर अंकित शो जीतते हैं तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होंगी, लोगों को ये चीज़ समझेगी कि हर बार चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता, लोगों को ये चीज़ समझेगी कि हर बार इस तरह की हरकतें ज़रूरी नहीं होती करना। आप शांति से अपनी बात कह सकते हैं, शांति से अपनी बात रख सकते हैं, और फिर आप गेम में आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली अंकित का जीतना, मुझे ऐसा लगता है अगर अंकित शो जीतते हैं तो कई सारे ऐसे लोग सामने आएंगे अगली बार से बिग बॉस के लिए जो अंकित से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और उन्हें लगेगा कि उनके भी चांसेस हैं शो जीतने। क्योंकि अब तक शो जो जीते हैं वो लोग, वो हमेशा ज़्यादा बोलने वाले लोग शो जीते हैं। कम बोलने वाले लोग अगर शो जीतने लग जाएं तो वाकई शो का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वाकई इस शो का पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा, और शो को देखने का नज़रिया भी लोगों का चेंज हो जाएगा। रही बात गौहर की, जो कुछ गौहर ने कहा है बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट्स को लेकर, और यहाँ पर इस वक्त जो गौहर ने कहा है अंकित गुप्ता को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है अंकित को शो जीतना चाहिए? मुझे तो लगता है हाँ जीतना चाहिए, बट आपको क्या लगता है आप लोग बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।